नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। और यहां पर मैंने लिया है मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 9। जी हां, और इस सीरीज में हम कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 8। तो चलते हैं क्वाड्रिलेटरल के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस विद द एंगल क्यू पी एस 50 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ए एंड बी फ्रॉम द फिगर। ये आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे क्यू पी एस, ये यहाँ पर पूरा जो एंगल है ये 50 डिग्री का है और इसमें ए और बी हमें फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करना है बच्चों, मैं आपको फिगर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, वी नो दैट द साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। रोम्बस की जितनी भी साइड होती है वो लेंथ में क्या होती है, इक्वल होती है। तो यानी ये साइड इक्वल होगी इस साइड के। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, क्यू आर एस, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये साइड इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, ये इक्वल होंगे। तो ये ए डिग्री का, ये भी ए डिग्री का, और ये टोटल कितने का, यहाँ पर ये 50 डिग्री का है। तो रोम्बस भी क्या होता है, पैलोग्राम होता है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 50 का, तो ये भी पूरा 50 का आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पर, ठीक है। आइए यहाँ तक हम करते, फिर आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसको करना शुरू करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने इसको पहले से लिख के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो आइए शुरू करना करते हैं। देखो, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, ठीक है, जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पी एस इक्वल होगी आर एस के, और इक्वल होगी क्यू आर के, और इक्वल होगी पी क्यू के, ठीक है बच्चों। इस तरीके से सभी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। साइड ऑफ रोम्बस लिख देते हैं, साइड्स ऑफ रोम्बस, ये आपको साथ साथ लिखना चाहिए। और दूसरी बात कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। यहाँ पर ये पी आर और क्यू एस 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ओ लिख लेता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम करना शुरू करते हैं। देखो, सभी साइड इक्वल हैं। अब नाउ, अब ऊपर एक ट्रायंगल बनी है क्यू आर एस, तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ पर इस क्यू आर एस के अंदर तो क्यू आर इक्वल है आर एस के, ठीक है। तो इसके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रायंगल का साइन लगा देता हूँ मैं। तो इस एंगल का पूरा नाम लेंगे आर क्यू एस, आर क्यू एस इक्वल होगा, इसका भी पूरा नाम लेंगे आर एस क्यू, एंगल आर एस क्यू, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। यहां पर ये तो आर क्यू एस, ठीक है बच्चों, आर यहां पर फिगर में देखिए आर क्यू एस ए डिग्री का है, तो ये भी क्या होगा, ए डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार आर क्यू एस ए डिग्री, तो एंगल आर एस क्यू ये भी है ए डिग्री का, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। अब इन तीनों एंगल का सम क्या होगा बच्चों, 180 होगा। आइए लिख लेते हैं, एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल आर एस क्यू और प्लस एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर अब ये तो है बच्चों ए डिग्री का, यहाँ पर ये भी है ए डिग्री का, और ये है बच्चों यहाँ पर 50 डिग्री का, और दोनों का सम 180। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि क्यू आर एस 50 डिग्री कैसे आए, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल क्यू पी एस इक्वल होगा एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ पर तो थोड़ा सा इधर अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस,
ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस, ये इक्वल होते हैं। तो आइए, तो 1a और 1a हो गया 2a, थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, और प्लस 50 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है यहाँ पर। तो 2a इक्वल 180 डिग्री, इधर 50 प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो 2a की वैल्यू आ गई 130 डिग्री माइनस किया, तो अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो 130 बाई 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 12 2 5 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 65 आ गई, ठीक है यहाँ पर लिख दे, a क्या आ गया 65 डिग्री, ठीक है इस तरीके से। आइए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये भी 65 डिग्री है और ये भी क्या हो गया 65 डिग्री, ठीक है। अब हमें b निकालना है, ये b है बच्चों, तो b कैसे निकालेंगे, अब देखो मैं फिगर में बताता हूँ। हम ट्रायंगल लेने वाले हैं ROS, ROS में ये तो 90 डिग्री का, अब ये 90 का क्यों है, क्योंकि मैंने पहले बताया है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये 65 का होगा, तो B की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। अब लेते हैं ट्रायंगल ROS, आइए लिख लेते हैं यहां पर, नाउ ट्रायंगल ROS, ठीक है बच्चों, यहां पर तो यहां पर पूरा नाम लिख लेते हैं, ROS प्लस OSR, OSR प्लस ORS, ORS तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ROS, ठीक है बच्चों, ये तो है 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो OSR ये है 65 डिग्री का, ठीक है बच्चों, ये है 65 डिग्री का, और ORS ये है बच्चों यहां पर B का, तो 180, ठीक है। तो यहां पर बच्चों अब देखो 90 और 65 को हमें ऐड कर लेना है, तो 155 डिग्री आ गया, और इधर B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब B की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, तो 150 इधर प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो गया, ठीक है। आइए इसको माइनस कर लेते हैं, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ 7 रहेगा, 7 में 5 गए 2, तो B की वैल्यू आ गई बच्चों 20 डिग्री, यहाँ पर A की वैल्यू आ गई और यहाँ पर B की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर बच्चों मैंने ये क्वेश्चन पहले से लिख के रखा हुआ है, फिर भी मैं आपको मेंटल मैथ में दिखा देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से लिखा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी डी जे रोम्बस, ठीक है, सच दैट कि एंगल ए सी बी 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ए डी सी, ए डी सी की मेजर फाइंड आउट करने है, यही क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर, ये देखिए इसको भी करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, रोम्बस की सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। मैं यहाँ पर एक बार फिर लिख देता हूँ, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है। तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, तो सभी साइड इक्वल होती है रोम्बस की, ये लिख दिया मैंने। अब देखो नाउ इन, अब ये ट्रायंगल लेंगे बच्चों ए बी सी, ठीक है, नाउ इन, सॉरी इन तो लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी के अंदर ए बी इक्वल बी सी, ठीक है, ए बी इक्वल बी सी है, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी इसका नाम होगा बी ए सी, बी ए सी इक्वल होगा, इसका नाम होगा ए सी बी, ए सी बी, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है यहां पर। तो अब बच्चों बी ए सी हमारा है 40 डिग्री का, सॉरी बी ए सी 40 डिग्री है, तो एंगल ए सी बी भी कितने का होगा, 40 डिग्री का हो गया,
समझ में आ गया, ये भी क्या है 40 डिग्री का। अब यहाँ पर इन तीनों एंगल का सम हमें फाइंड करना है, क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो आपको अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी आप डी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। जाओ जो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड ए डी सी, ए डी सी, ठीक है, तो ये वैल्यू, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, आप देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी सी आ गया, एक बार फिर मैंने लिया, तो ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी ए सी, ये एंगल हो गया, प्लस एंगल बी हम लिख लेते हैं और प्लस एंगल ए सी बी, तो तीनों का सम होता है बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर बी ए सी 40 डिग्री और प्लस यहाँ पे बी तो हमें फाइंड आउट करना है और ए सी बी भी है 40 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 40 और 40 कितना होता है बच्चों 80 डिग्री, तो 80 डिग्री लिख लेते हैं और 180 डिग्री इधर। ठीक है, अब बी की वैल्यू निकालनी है, तो इधर 180 इधर प्लस का, इधर आकर ये माइनस का आ गया, तो यहाँ पर बच्चों B की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, अब देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि एंगल B इक्वल होगा एंगल ADC, या चाहे तो आप इसको खाली D भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों इक्वल होगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, यहाँ पर तो B की वैल्यू आई है बच्चों 100 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल ADC इक्वल आ गया 100 डिग्री। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100 डिग्री। तो बच्चों ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में लिखें, और इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।